और मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में बीते गुरुवार की देर रात नदी पर बम जैसी वस्तु तैरती हुई मिलने की खबर मिली है। और खबर मिलते ही मौके पर रायगढ़ एसपी सहित लोकल क्राइम ब्रांच और मुंबई एटीएस की टीम भी पहुंची है। तो वहीं इसकी छानबीन में पता चला है कि यह एक तरीके का डमी बम ही था। मामले पर एसपी सोमनाथ घारगे का कहना है कि यह डमी बम नदी में यहां कैसे पहुंचा है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि उस वक्त सारी सामग्री पानी के अंदर थी, जिसके चलते इसकी ब्लास्ट होने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मामले पर लोकल पुलिस ने बताया है कि रायगढ़ के भोगवती नदी पर बने एक पुल के नीचे बिजली के सर्किट और एक घड़ी से जुड़ी कुल 6 जिलेटिन की छड़ें मिली थी। इस पर अधिकारियों के अनुसार यह एक तरीके का विस्फोटक उपकरण यानी कि बम जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है।